साथियों, सो इन चोरों से पिछले 10 साल में रिकॉर्ड मांगिएगा, जाति और धर्म के आधार पर नहीं, पर शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के आधार पर, कि इन क्षेत्रों में, इन 3 क्षेत्रों में इनकी सत्ता में रहने के बाद क्या काम हुए आपके समाज के लिए। साथियों, शिक्षा से शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे बच्चों की शिक्षा। वो कहते हैं ना, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो। अरे दहाड़ो तो मेरे भाई, शेरनी। साथियों, बाबा साहब क्या कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो। साथियों, ये लोग वो हैं जो हमारे बच्चों को, हमारी से हमारे बच्चों की शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है, कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते, वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है, तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं। वोट नहीं बनता तो क्या बनता है, जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए, उसी हिसाब से उसे वो चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है, उसका उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505(2) तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।